नमस्ते दोस्तों, आ गया आपका दोस्त पीवीजे और हम यहाँ पे लाइव है अभी यूट्यूब पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपने परचेज करना चाहिए और इलेक्ट्रिक स्कूटर सिलेक्शन के टिप्स मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो मेक श्योर ये लाइव सेशन अगर आप देख रहे हो तो भी एंड तक देखना, अगर आप इसको बाद में एज अ फॉर्म ऑफ वीडियो देख रहे हो तो भी एंड तक देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को, YouTube लाइव को शुरुआत करते हैं। आपको कुछ कमेंट्स है, सजेशन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा इमीजिएटली। अगर लाइव में है तो लाइव में आपको फीडबैक दे दूंगा कि क्या उसका जवाब है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइंग गाइड गाइज, मैं टिप्स देने वाला हूं कि आपने अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदनी है तो वो कैसे खरीदनी है, कहाँ से आपने शुरुआत करनी चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीजें होती है जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जाते हो। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे कंफ्यूजिंग फैक्टर है। कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जलता है, कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा नहीं है, कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 साल में खराब हो जाएगा, कोई बोलता है कि भाई खरीदना है तो 1 लाख के ऊपर का खरीदो, कोई बोलता है कि 1 लाख के नीचे का खरीदो। पर आपको अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है तो आपने कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं और ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। आप प्लीज मुझे चैट में कंफर्म कर दीजिएगा वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, प्लीज चैट में एक बार कंफर्म कर दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। गेमिंग शुभम बोल रहा है ओकिनावा आर33 शुड आई बाय, बोल दूंगा भाई, पहले तो बोलना कि मैं ऑडिबल और विजिबल हूं या नहीं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में रहता है बजट। ओके, बजट गाइज, बजट ये एक ऐसा पॉइंट है, ये इंसान के खुद के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो इंसान ही डिसाइड कर सकता है कि क्या आपका बजट अच्छा है या बुरा है, मतलब 1 लाख के नीचे है या 1 लाख के ऊपर। ऐसे 2 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। गाइज मैं, मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा सा खराब दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ, मेरा जो खुद का जो वीडियो है वो जल्दी से उसका जो फिल्टर है वो निकाल देता हूँ। ये फिल्टर मुझे हमेशा परेशान करता है, सो लेट मी रिमूव दिस फिल्टर। इस फिल्टर को जो क्रोमा की डाला है मैंने, इसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। ओके, सो देर विल नॉट बी एनी क्रोमा की, जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा दिखूंगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और खुद को कोने में डाल देता हूँ। ओके फाइन, तो ये यहाँ पे मैंने खुद को कोने में डाल दिया है। ठीक है, अभी मैं आई होप आपको अच्छा खासा वीडियो दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं और एक स्लाइड ऐड करके रखता हूँ ताकि हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम कंटिन्यू रखेंगे, वो मैं इरेज नहीं करूंगा, आपको एंड तक वो देखने को मिलेगा और ये बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो चलिए इसको फुल स्क्रीन करते हैं। यस, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइंग गाइड में इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको अगर खरीदना है तो पहला पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, खर्च करना है, कितना आपका कैपेबिलिटी है पैसा खर्च करने का। तो इसमें 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, एक बजट आपका 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख से ज्यादा है, दूसरा हो सकता है कि 1 लाख से कम है। तो यहाँ पे मेरी राय ये रहेगी, अगर आपका बजट 1 लाख से कम है, मतलब आपका बजट अगर करीबन 80 हजार टू 1 लाख है, 80 हजार टू 1 लाख है, 80,000 टू 1 लाख अगर आपका बजट है, तो यहाँ पे आपको मेनली ऑप्शंस जो मिल जाते हैं वो स्टार्ट होता है आपका पहला ऑप्शन हीरो ऑप्टिमा के साथ, हीरो ऑप्टिमा, और दूसरा ऑप्शन हो जाता है 1 लाख के आसपास आपके लिए हो जाता है एम्पियर का मैग्नस ईएक्स, एम्पियर का मैग्नस ईएक्स। गाइज मैं यहाँ पे आपको खरीदने को नहीं बोल रहा हूँ, आपको ऑप्शंस बोल रहा हूँ, आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खुद जाके टेस्ट राइड करने हैं और फिर उसको खरीदना है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर बजट ये आपका क्राइटेरिया है, मैं आपको 5 क्राइटेरिया बोलने वाला हूँ जिसके अंडर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहिए। अगर बजट आपका क्राइटेरिया है, आप सिर्फ बजट पे जाना चाहते हो, तो बाकी बहुत ब्रांड धीरे धीरे छोटे छोटे आ रहे हैं, बट बड़े ब्रांड्स में बात करूं तो ये 2 मुझे प्रोमिनेंट लगते हैं, इनके साथ आप जा सकते हो। अगर आपका बजट 1 लाख के ऊपर है, अगर आपका बजट 1 लाख के ऊपर है, तो मैं शुरुआत करूंगा गाइज इसका ओला S1 के साथ।
ओला S1 अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिसकी कीमत करीबन 1,20,000 30,000 हो सकती है। और सबसे बढ़िया मुझे 1 लाख के ऊपर लगता है TVS का iQube। TVS का iQube एक अच्छा स्कूटर है। फिर बाद में आप जा सकते हो बजाज चेतक के साथ, एक बड़ा ब्रांड है बजाज चेतक। फिर आप जा सकते हो एथर के साथ। तो ये 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको 1 लाख के ऊपर जाना है। ओला S1 हो सकता है या S1 Pro हो सकता है, आपको टेस्ट राइड लेना है, सिलेक्ट करना है। अगर आप 1 लाख के ऊपर बजट है और आपका जो बैटरी केमिस्ट्री है वो आपको LFP चाहिए, तो TVS iQube ये एक ही ऑप्शन है। LFP केमिस्ट्री के साथ TVS iQube आ जाता है, बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, भाई कहाँ पे LFP है, भाई जाके देखो उनके वेबसाइट पे FAQ सेक्शन में जाओ, वहां पे मेंशन किया है कि TVS में LFP बैटरी है। ओके, तो अगर आपका बजट क्राइटेरिया है तो ये 2 ऑप्शंस बन जाते हैं, 1 लाख के नीचे 1 लाख के ऊपर। अगर 1 लाख के नीचे है तो हीरो एम्पियर, ये 2 ऑप्शंस है। बाकी छोटे छोटे बहुत स्कूटर है गाइस, यहाँ पे नासिक में काइट एनर्जी है या बहुत सारे अलग है, बट आप जब आगे जाके देखोगे तो ये छोटे ब्रांड भी बने बनने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं बेनिलिंग की, बेनिलिंग अभी छोटा ब्रांड है, ओके, आगे जाके बड़ा बनने वाला है 101%। ओकाया अभी छोटा ब्रांड है, आगे जाके बड़ा बनने वाला है 101%। तो ये दोनों ब्रांड आगे जाके बड़े बनने वाले हैं, बट अभी अगर आपका बजट बजट के ऊपर से आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो तो ये 2 ऑप्शंस आपके सामने है, एक 1 लाख के ऊपर 1 लाख के नीचे। ये पहला हो गया। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में चैट में पढ़ पा रहा हूं, बट अभी मैं चैट का जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा जो बातचीत है वो पूरा करूंगा और फिर आगे जाऊंगा। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया बजट के ऊपर, मैं अभी आगे जा रहा हूं और नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं जो होता है कि आपका यूज कैसा है। ओके, आपका यूज कैसा है। अगर आपका यूज थोड़ा सा ओबड़ खाबड़ रास्ते के ऊपर है, आपको मजबूती चाहिए, ओके, अगर आपको मजबूती चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छा चाहिए, अगर आपको स्ट्रेंथ अच्छा चाहिए, मतलब आपका फोकस अगर बिल्ड क्वालिटी पे है, ओके, आपका फोकस अगर बिल्ड क्वालिटी पे है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये स्कूटर ज्यादा साल आपके साथ चले। तो बिल्ड क्वालिटी के ऊपर से अगर आप जाना चाहते हो तो फिर आपको फिर से देखना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा बिल्ड क्वालिटी देता है। तो बिल्ड क्वालिटी में बात करें तो मुझे सबसे बेहतरीन एथर लगता है। अगर आपका प्रायोरिटी बिल्ड क्वालिटी है तो एथर सबसे बढ़िया है। फिर मैं TVS की बात करूंगा, फिर मैं बजाज की बात करूंगा और फिर मैं ओला की बात करूंगा। और इसमें अगर सबसे बदतर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, सॉरी टू से, बट मुझे लगता है कि हीरो का बिल्ड क्वालिटी पुअर है। ओके, तो एथर, TVS, बजाज, ओला, फिर इसमें आ जाएगा आपका एम्पियर, अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो। ओके, बिल्ड क्वालिटी में हीरो पीछे रह जाता है क्योंकि बहुत ही लाइट व्हीकल है। हीरो बना किस लिए है, हीरो इसलिए बना है कि उनका बिल्ड क्वालिटी पुअर है, बट 1 लाख के नीचे वो सबसे बढ़िया 140 किलोमीटर का रेंज आपको दे देता है ड्यूअल बैटरी में। तो हीरो का टॉप सेलिंग स्कूटर क्यों है, क्योंकि कम प्राइस में सबसे ज्यादा रेंज दे रहा है हीरो। बहुत लोगों को लगता है कि हीरो मोटो कॉप है, बट वैसा नहीं है। हीरो, ये हीरो इलेक्ट्रिक है। जो हीरो मोटोकॉर्प और हीरो इलेक्ट्रिक है ये दोनों अलग है, ये एक दूसरे के चचेरे भाई है और इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोर्ट में इनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो आपका फोकस अगर बिल्ड क्वालिटी है, आपका यूज अगर, मतलब आप एक मेल हो, आप बहुत सारा सामान लेके जाना चाहते हो, आप एक डिलीवरी बॉय हो, तो आपको मजबूत स्कूटर चाहिए। और अगर आपको मजबूत स्कूटर चाहिए तो आपको एथर, TVS, बजाज, ओला, एम्पियर, इनके साथ जाना पड़ेगा अगर मजबूती चाहिए तो। अगर मजबूती नहीं चाहिए, आप एक फीमेल हो, आपको सिटी यूज के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो आप इसका उल्टा जा सकते हो, एम्पियर से एथर की तरफ जा सकते हो। इसमें लास्ट में आप हीरो ऐड कर सकते हो लास्ट में। तो आपका फोकस बिल्ड क्वालिटी नहीं है तो स्टार्ट विथ हीरो, देन यू कैन थिंक ऑफ एम्पियर, ओला, बजाज, TVS एंड एथर। एथर सबसे बेहतरीन है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग है, TVS की बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग है, बजाज तो पूरा मेटल बॉडी से बना हुआ है, तो बजाज तो बेहतरीन ही है। तो दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि यूज क्या है आपका। ओके, प्लीज इस लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइस,
मैं अभी अभी बीमारी से बाहर आ चुका हूँ, बट मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके तरफ अच्छा नॉलेज पहुंचे। तो आपका प्यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, नीचे कमेंट है उसमें कमेंट डालना। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो। तो ये बातें मैंने आपको बोल दी। पहला पहला मैंने बोला कि आपका अगर बजट 1 लाख के नीचे है तो क्या करना चाहिए और 1 लाख के ऊपर है तो क्या करना चाहिए। ओके, अभी मैं आगे जाने वाला हूं, नेक्स्ट आपको पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। मैं और एक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूं, और एक स्लाइड में इसमें इंसर्ट कर रहा हूं। लेट मी इंसर्ट वन मोर स्लाइड, और एक स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं 5-6 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो मैं स्लाइड्स इंसर्ट करते जा रहा हूं। ओके, तो मैंने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। पहला तो मैंने बोल दिया कि आपका बजट, दूसरा मैंने बोल दिया आपका यूज। अभी तीसरा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकली, वो है रेंज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक्निकली वो है रेंज। आपके दिमाग में अगर रेंज की बात चल रही है, आपके दिमाग में अगर रेंज इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो रेंज में अगर आप देखो तो अभी सबसे बढ़िया रेंज में देने के लिए कामयाब है ओला, ओला S1 Pro। ओके, ओला S1 Pro अभी सबसे बढ़िया रेंज दे रहा है। उनका कंपनी क्लेम 181 किलोमीटर है, बट उनका जो नया अपडेट आया है, जो ओवर द एयर उनका अपडेट हुआ है, उसके ऊपर से उनको रेंज मिल रहा है करीबन 170 किलोमीटर। मैं रेंज की बात करूं तो कौन सी भी कंपनी जो रेंज बताती है वो होती है इकोनॉमिक मोड वाली रेंज। मीन्स अगर आपकी स्कूटर आप 30-40 के स्पीड से चलाओ, मतलब स्लो चलाओ या मॉडरेट स्पीड से चलाओ, तो जो रेंज मिलती है वो कंपनी बताती है। वो जो फास्ट चलाओगे अगर आप उसको, तो वो रेंज नहीं मिलेगा। तो रेंज के बारे में बात करें तो अभी प्रूवन की बात कर रहा हूं। सिंपल वन अभी तक मार्केट में डिलीवरी नहीं हुआ है, अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है, अभी चल रहा है सितंबर। ये वीडियो, ये लाइव स्ट्रीम 6 सितंबर को मैं कर रहा हूं, तो अभी तक मैं अगर देख पा रहा हूं तो ओला S1 Pro अच्छा खासा आपको रेंज दे देगा 170 किलोमीटर का। ग्रैवटॉन मोटर का क्वांटा नाम का एक स्कूटर है, ग्रैवटॉन क्वांटा, उसका भी अच्छा खासा रेंज है। बट ग्रैवटॉन क्वांटा जो है वो दिखने के लिए आपको इतना अच्छा स्कूटर नहीं मिलेगा। ग्रैवटॉन क्वांटा भी आपको करीबन 160 से 180 किलोमीटर की रेंज दे देगा अगर आप ड्यूअल बैटरी का ग्रैवटॉन क्वांटा खरीदो। तो आपके दिमाग में अगर रेंज है, आप ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चलाना चाहते हो एक ही बार में, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन अच्छा खासा आ जाता है, वो TVS iQube ST का है। iQube ST जो है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने बोल दिया है कि आ रहा है बट अभी तक नहीं आया है। इनका जो TVS iQube S है वो अभी मार्केट में मिल रहा है, जिसको करीबन उन्होंने बोला है कि 140 आई गेस किलोमीटर, 100 किलोमीटर की कंपनी रेंज है। तो वो अगर 100 किलोमीटर की रेंज दे रहा है तो एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ तो और एक अच्छा खासा ऑप्शन इसमें आ जाता है, बट बिल्ड क्वालिटी इसका पुअर है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, हीरो ऑप्टिमा CXER। ये जो है हीरो ऑप्टिमा CXER, ये आपको 140 किलोमीटर का कंपनी क्लेम रेंज है। तो मुझे लगता है अगर आप इको मोड में चलाओ तो मिनिमम आपको 110 से 115 किलोमीटर का रेंज मिल ही जाएगा हीरो ऑप्टिमा CXER पे। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज दिमाग में रख के लेना चाहते हो। तो इसके तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेंज के ऊपर से डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पहले मैं यूज के ऊपर से, बिल्ड क्वालिटी के ऊपर से डिस्कस किया, तब मैंने एक नंबर एथर को दिया, फिर TVS, फिर बजाज, फिर ओला, एम्पियर, हीरो, इनको दिया। और जब आपके बजट के मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट मैंने बजट का डिस्कस किया था। फिर से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई कोई सब्सक्राइबर्स अभी जुड़े हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बजट 1 लाख के नीचे है तो हीरो, एम्पियर, ये 2 प्रूवन ऑप्शंस है। अगर 1 लाख के ऊपर है तो TVS, ओला, बजाज, एथर, बेनिलिंग, ओकाया, ये कुछ अच्छे ऑप्शंस आपके लिए है। आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि बजट भी आपके दिमाग में है, बिल्ड क्वालिटी भी आपके दिमाग में है, तो लास्ट में इस YouTube वीडियो के, YouTube स्ट्रीम के लास्ट में बोलने वाला हूं कि मुझे कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट लगता है कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट्स। अभी मैं तो एक एक पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूं, बस इट YouTube लाइव के एंड तक मैं आपको हर पॉइंट्स कंसिडर करके मुझे कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा लग रहा है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एंड तक इससे जुड़े रहिएगा, इस
प्लीज लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा आप, और दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। ओके, तो मैंने बोल दिया कि रेंज की अगर आपके दिमाग में बात चल रही है तो ओला एक ऑप्शन है, S1 Pro, TVS का iQube है, और अभी अभी एथर का जो जनरेशन 3 लॉन्च हुआ है, एथर 450X Gen 3, इसका एक्चुअल रेंज 105 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। कंपनी क्लेम जो है वो 146 किलोमीटर है। यहां पे मैं ट्रू रेंज लिख रहा हूं, यहां पे मैं ARAI सर्टिफाइड रेंज नहीं लिख रहा हूं, यहां पे मैं ट्रू रेंज लिख रहा हूं। तो एथर 450X जनरेशन 3 एक अच्छा खासा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें 105 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा गाइज। बाकी ट्रिपल पावर ये सब जो कंपनियां हैं, जैसे ट्रिपल पावर कंपनी का फ्रॉड हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे बोल रहे हैं कि ट्रिपल पावर कंपनी ने बोल तो दिया कि कुछ तो भी 250 किलोमीटर का रेंज है, बट वो कंपनी वाले कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो एक जाली कंपनी है, ऐसा मुझे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं। मुझे अभी तक वेरिफिकेशन नहीं मिला है वो एक्चुअली कंपनी का नाम क्या है, वो कैसे काम कर रही है, गलत काम कर रही है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको रेप्यूटेड कंपनीज की ही बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने ओला, TVS, एथर, हीरो का नाम लिया। एम्पियर की इसमें बाद में आपको 1 लाख के नीचे एम्पियर आ जाता है, एम्पियर मैग्नस ई एक्स कंपनी सर्टिफाइड रेंज 121 किलोमीटर है, बट यहां पे आपको एक्चुअल रेंज एम्पियर मैग्नस ई एक्स दे देता है करीबन 95-100 किलोमीटर रेंज आपको मिल जाएगा सिंगल राइडर के साथ। ओके, सो तीसरा मैंने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, तीसरा नहीं सॉरी, 1 लाख के नीचे वाला मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको बोला जिसका रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है या 100 किलोमीटर के करीब है, तो वो है एम्पियर का मैग्नस ईएक्स। इसके बाद में आप बेनिलिंग का बिलीव, ओकाया भी कंसिडर कर सकते हो, ओकाया का भी रेंज अच्छा है। बेनिलिंग का बिलीव जो है, बेनिलिंग भी एक अच्छा खासा ब्रांड है, उसके साथ भी आप जा सकते हो। तो अगर आपका रेंज क्राइटेरिया है तो एक नंबर पे, तो अभी सीरियसली अभी इस मोमेंट पे 6 सितंबर 2022 को मैं वीडियो कर रहा हूँ, ये लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो अभी तो ओला सबसे बड़ा दिख रहा है, उसके बाद में बाकी सब आ रहा है। TVS iQube ST भी बोला जा रहा है कि TVS iQube ST का भी बहुत ही तगड़ा रेंज होगा, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स अगर डिस्कस करने हैं तो आप एंड तक देखिएगा। जैसे ओला की मजबूती पर उद्दीन जो है, गौसे उद्दीन यहाँ पे चैट में उन्होंने बोला है कि ओला मजबूत है, तो गाइस मैंने मजबूती के बारे में एक नंबर किसको दिया है, देखो एथर को दिया है, फिर TVS, फिर बजाज, फिर मैंने ओला को डाला है। मैंने ओला को एक नंबर पे नहीं डाला है मजबूती पे, ओके, मैंने एथर, TVS, बजाज को एक मजबूती पे डाला है। इसमें बैटरी का स्टोरी, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है बैटरी का स्टोरी, ये भी एक अच्छा खासा मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें मेटल पैनल्स आ जाते हैं, तो ये भी एक आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको मजबूती पे जाना है तो, एथर, TVS, बजाज, बैटरी, फिर ओला, फिर हीरो, ओके, सबसे लास्ट में हीरो का बिल्ड क्वालिटी है। तो ये बहुत ही जबरदस्त और पुख्ता इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं, तो प्लीज इस लाइव स्ट्रीम से जुड़े रहेगा। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया है अभी कि रेंज के बारे में अगर आप देखो तो कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खरीद सकते हो। अभी मैं जाने वाला हूं चौथे पॉइंट पे, और वो है परफॉर्मेंस। चौथा पॉइंट है परफॉर्मेंस। ओके, परफॉर्मेंस में आपको सिंपली याद रखना है कि जो परफॉर्मेंस स्कूटर्स होती है उनका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, अगर आपके दिमाग में परफॉर्मेंस है, तो मैंने खुद अपना जो बजाज एवेंजर है, बजाज एवेंजर 220 मेरा खुद का मोटरसाइकिल है, उसका कंपटीशन लगवाया था एथर 450X के साथ। किसके साथ? एथर 450X, और मेरा बजाज एवेंजर पीछे रह गया। यू वोंट बिलीव, मेरा बजाज एवेंजर 220 क्रूज पीछे रह गया, एथर आगे चला गया। तो अगर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, तो पहले आपको 1 लाख के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। ओके, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, तब आपको परफॉर्मेंस स्कूटर मिलेगी। तो परफॉर्मेंस स्कूटर में मैं एक नंबर दे रहा हूं एथर को, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है। एक नंबर में दे रहा हूं एथर को, दो नंबर में दे रहा हूं ओला को, तीन नंबर में दे रहा हूं किसको, बजाज को, और 4 नंबर में दे रहा हूं यहां पे TVS को।
ओके अगर आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो तो इसमें मैं 5 नंबर ऐड कर दूंगा, वो होगा रिवोल्ट, रिवोल्ट RV 400, इसको मैं 5वां नंबर दे दूंगा अगर आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है तो। परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 नंबर पे एथर, 2 नंबर पे ओला, 3 नंबर पे बजाज, 4 नंबर पे टीवीएस और 5 नंबर पे मैं रिवोल्ट डाल रहा हूँ। गाइज बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बट यहाँ पे मैं आपको जो प्रूवन है वही बोल रहा हूँ। आपके दिमाग में आ जाएगा, भाई तूने सिंपल वन की बात क्यों नहीं की, तूने सिंपल वन की बात क्यों नहीं की, क्योंकि सिंपल वन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। सिंपल वन अभी तक बहुत सारे लोगों ने यूज नहीं किया है। जब तक बहुत सारे लोग उसको यूज नहीं कर लेते, लॉन्च होने के बाद उन्होंने अभी तक डिलीवरीज नहीं की है। अक्टूबर में वो बोल रहे कि डिलीवरीज उनकी चालू हो जाएगी। अगर डिलीवरीज देने के बाद 4-5 महीने के बाद भी अगर वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, तब हम उसको इस लिस्ट में कंसिडर कर पाएंगे। अभी वो इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो एक्चुअल कस्टमर को नहीं मिला है। तो यहाँ पे एथर मुझे 1 नंबर लगता है परफॉर्मेंस के ऊपर, 2 नंबर पे मुझे ओला लगता है, 3 नंबर पे मुझे बजाज लगता है। बजाज चेतक बहुत ही जबरदस्त स्कूटर है, आप चला के देखो, आप चला के देखो। उसका रेंज कम है, उसका रेंज कम है, बट परफॉर्मेंस वाइज, उसका लुक्स वाइज और उसका हैंडलिंग वाइज बजाज मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। टीवीएस ऑफ कोर्स सबका बदला लेने वाला है, वो अभी टॉप 5 में आ चुका है और मैं आपको इस वीडियो के अंत में फिर से दिखा दूंगा कि अगस्त में टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन से थे, और आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने जिन पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर सिलेक्शन की बात की है उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा टॉप 10 में वही स्कूटर्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके तो अभी तक हमने जो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं मैं फिर से वो रिवाइज कर देता हूँ। हमने पहला पॉइंट कंसिडर किया था बजट। बजट में हमने 1 लाख के नीचे और 1 लाख के ऊपर ऐसा किया। दूसरा पॉइंट हमने कंसिडर किया था यूज, बिल्ड क्वालिटी। यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूज कैसा है। अगर आप फीमेल हो तो हल्का इलेक्ट्रिक स्कूटर, बिल्ड क्वालिटी थोड़ा पुअर रहेगा तो चलेगा। अगर आप डिलीवरी बॉय हो, अगर आप एक मेल हो, थोड़ा सा आप रफ यूज करते हो इलेक्ट्रिक स्कूटर का, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्ड में एथर, टीवीएस, बजाज, ओला, एम्पियर, बैटरी स्टोरी, ये सब अच्छा है। फिर रेंज की हमने बात की, रेंज में सबसे बढ़िया अभी तो ओला S1 Pro दे रहा है। फिर ग्रैविटॉन क्वांटा है, टीवीएस आईक्यूब ST की बात चल रही है कि वो भी आ जाएगा बहुत ही जल्दी। एथर 450X जनरेशन 3 है, हीरो ऑप्टिमा है, एम्पियर मैग्नस EX है। हैंडराइटिंग मेरा शायद पूरा लग रहा होगा आपको, बुरा हैंडराइटिंग है, बट मेरा जो एक्सप्लेनेशन है आई होप आपके दिल तक वो पहुंच रहा है, आपको समझ में आ रहा है। और 4 नंबर पे हमने परफॉर्मेंस कंसिडर किया, और परफॉर्मेंस में हमें ये पता चला कि परफॉर्मेंस में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस एथर दे रहा है अभी, फिर ओला, फिर बजाज, फिर टीवीएस और फिर रिवोल्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे 5वें नंबर का पॉइंट, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैटरी केमिस्ट्री कौन सी है, या लाइफ की बात करते हैं। लाइफ, तो लाइफ की जब हम बात करते हैं गाइस, तो ऑफ कोर्स वो बिल्ड क्वालिटी से के करीब चला जाता है कि आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो लाइफ होती है वो बिल्ड क्वालिटी के ऊपर तो डिपेंड होती है, बिल्ड क्वालिटी। अगर लाइफ ऑफ बैटरी की कंसिडर कर रहे हो, बैटरी की लाइफ, तो वो आपको डिपेंडेंट है कि बैटरी का केमिस्ट्री कौन सा है। अगर वो NMC केमिस्ट्री का बैटरी है तो वो आपको देगा करीबन 800 से 1000 साइकल्स, 800 से 1000 साइकल्स देगा। अगर NMC है, अगर LFP केमिस्ट्री का बैटरी है तो वो 1500 से 2000 साइकल्स देगा। ये दिमाग में डाल लो आप, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। साइकिल मतलब क्या होता है, साइकिल मतलब क्या होता है? साइकिल मतलब एक बार चार्जिंग, एंड डिस्चार्जिंग। एक बार आपने गाड़ी चार्ज किया और फिर डिस्चार्ज किया तो वो हो गया उसका एक साइकिल। तो अगर बैटरी लाइफ की आप बात कर रहे हो तो NMC केमिस्ट्री आपको 800 से 1000 साइकिल्स ही देगी। अगर आप LFP केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो 1500 से 2000 साइकिल देगी। अभी LFP केमिस्ट्री जो है वो कौन कौन से स्कूटर में आती है? वो TVS में आती है, वो हीरो में आती है, वो आती है आपके रिवोल्ट में, बेनिलिंग का जो बिलीव आया है,
बेनिलिंग का जो बिलीव आया है, बेनिलिंग बिलीव, उसमें भी एलएफपी आई है। ओके, तो ये एलएफपी केमिस्ट्री के स्कूटर्स है। एनएमसी कौन से स्कूटर्स में है? एनएमसी एनएमसी है ओला में, एथर में, बजाज में, एम्पियर में, मोस्ट ऑफ द स्कूटर में आपको मिलेगा एनएमसी केमिस्ट्री। ओके, अभी एनएमसी केमिस्ट्री जो है वो भी बहुत बुरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो अगर आप बजाज की बात करो तो बजाज के जो एनएमसी के सेल्स से है वो जर्मनी से आते हैं। अगर मैं बात करूं ओला का तो वो कोरिया से आते हैं। ओके, एथर के भी शायद जर्मनी से आते हैं। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने एनएमसी स्कूटर वाला, एनएमसी बैटरी वाला स्कूटर खरीदा है तो बुरा है, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो वो आपको एलएफपी के साथ मिलेगी। अगर आपको अच्छा प्रोटेक्शन चाहिए बैटरी के लिए तो एलएफपी में थर्मल मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है, तो एलएफपी का थर्मल मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, तो एलएफपी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप थोड़े से गर्मी के एरिया में रहते हो तो समर सीजन में आपका स्कूटर इंटैक्ट रहना चाहिए, उसमें बर्निंग वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स एलएफपी के साथ जाते हैं। ओके, एनएमसी स्कूटर वाले मोस्टली आपको क्या करेंगे, क्या करेंगे, 3 साल की वारंटी दे देंगे। एलएफपी अगर आप बात करो तो एलएफपी की लाइफ साइकिल ज्यादा है। यहां पे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बोल देता हूं सिंपल सी बात कि अगर आपका एनएमसी केमिस्ट्री है और आपका एलएफपी केमिस्ट्री है, फर्क क्या पड़ता है बोल देता हूं। अगर 100 किलोमीटर आपकी रेंज है दोनों केस में, एक बार चार्ज करने के बाद आपका स्कूटर 100 किलोमीटर जाता है, तो एनएमसी में लाइफ कितना मिलता है? हम कंसिडर करते हैं कि एनएमसी में लाइफ 800 से 1000 साइकिल्स मिलता है। कितना? 800 से 1000 साइकिल्स। ओके, हम कंसिडर करें कि 1000 साइकिल्स मिलता है, तो एक साइकिल में आप अगर 100 किलोमीटर जा रहे हो तो 1000 साइकिल में आप कितना किलोमीटर जाओगे? 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर जाओगे। ओके, एलएफपी में आपको कितना मिल रहा है लाइफ साइकिल? एलएफपी की बात करूं तो आपको 1500 से 2000 साइकिल्स मिल रहे हैं। कितने? 1500 से 2000 साइकिल्स। ओके, अगर मैं कंसिडर करूं इसका दोनों का एवरेज, अगर मैं कंसिडर करूं कि आपको 1800 साइकिल्स मिल रहे हैं 1 किलोमीटर में, अगर 100, एक चार्ज में अगर 100 किलोमीटर जा रहा है, तो 100 किलोमीटर इंटू 1800 साइकिल्स, मैं पूरे 2000 अभी नहीं कंसिडर कर रहा, 1800 ही कंसिडर कर रहा हूं, तो आपके 1,80,000 किलोमीटर बैटरी चलेगा। अगर वो अच्छे मैन्युफैक्चरर ने बनाया है तो, अगर वो फालतू मैन्युफैक्चरर ने बनाया है तो नहीं चलेगा, समझ लो। तो एनएमसी केमिस्ट्री के साथ आपको अच्छे लाइफ साइकिल्स मिल जाता है। आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो 1 लाख किलोमीटर तक तो जाएगी ही अगर वो अच्छे मैन्युफैक्चरर ने एनएमसी केमिस्ट्री बनाई, बैटरी बनाई है तो। ओके, बट अगर एलएफपी है तो वो ज्यादा लंबी जाएगी क्योंकि एलएफपी का जो लाइफ साइकिल है वो ज्यादा है। पर अभी बुरा मत मानना, अगर आपने एनएमसी खरीदा है तो वो भी बुरा नहीं है, वो भी अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये 1 लाख किलोमीटर आपका एनएमसी जाने वाला है, अगर आप हर साल, आप समझ लो हर साल 10,000 किलोमीटर आपकी स्कूटर चल रही है, कितना? 10,000 किलोमीटर पर ईयर चल रही है आपकी स्कूटर। कितना? 10,000 किलोमीटर पर ईयर अगर आपकी स्कूटर चल रही है तो इसको 10 साल कुछ नहीं होगा क्योंकि टोटल बैटरी लाइफ कितना है? 1 लाख किलोमीटर है। अगर आपकी हर साल, सपोज मैं कंसिडर करूं कि 20,000 किलोमीटर चल रही है स्कूटर, हर साल 20,000 किलोमीटर, तो 20,000, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 आप अगर आप करो तो 5 साल इसको कुछ नहीं होगा। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, अगर एक साल में आप 20,000 किलोमीटर चला रहे हो तो। बट मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको डर नहीं जाना है क्योंकि अगर लाइफ खत्म हो जाती है, मतलब पूरा बैटरी खराब नहीं हो जाता है। ओके, लाइफ अगर खत्म हो जाती है तो पूरा बैटरी खराब नहीं होता है, आप वो बैटरी में मेंटेनेंस करवा सकते हो, कुछ सेल्स है वो नए से डाल सकते हो। अभी कुछ कमेंट्स में बच्चों ने, सॉरी सब्सक्राइबर्स ने डाला था, बच्चा आ गया क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, बच्चा आ गया कि बैटरी की कॉस्ट कितनी होती है। ओके, बैटरी की कॉस्ट कितनी होती है वो मैं बोल देता हूँ। अभी मैं किससे, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा कलर का इंक चेंज कर देता हूँ। तो बैटरी लाइफ जो है,
बैटरी लाइफ, बैटरी कॉस्ट जो है वो करीबन 40-45% होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्ट अगर आप देखो तो। मतलब आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर 1 लाख की है तो आपकी बैटरी 45,000 की जाएगी। ये अभी का अंदाजा, इस टाइम का अंदाजा बोल रहा हूं, 3 साल के बाद शायद सस्ती भी हो जाएगी। ओके, बैटरी कॉस्ट जो होती है वो ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 40-45% ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है। तो अगर ये 40-45% ऑफ कॉस्ट ऑफ स्कूटर है, तो अगर मैं कंसिडर करूं कि आपकी स्कूटर 1 लाख रुपए की है, तो बैटरी जाएगी 45,000 तक। ओके, अंडरस्टूड। सो इट इज, आपको डर नहीं जाना है। ये 4-5 सालों में आप इतना फ्यूल बचाओगे, जो पेट्रोल आप खर्चा पेट्रोल पे आपका खर्चा होता था वो नहीं होगा, और उतने में तो बैटरी आ जाएगी। मैं अभी कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, मैं और एक स्लाइड अभी इंसर्ट कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, एकदम सिंपल कैलकुलेशन। एकदम सिंपल कैलकुलेशन। जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज लाइक कर दो यार वीडियो को, जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर है, मैं एग्जांपल देता हूं, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर एम्पियर मैग्नस ईएक्स है, वो उसका जो बैटरी पैक है, बैटरी जो है उसका वो 2.295 किलोवाट आवर का है। ओके, मतलब जब आप उसको चार्जिंग करोगे तो 2.295 यूनिट्स कंज्यूम होंगे जब उस बैटरी को चार्ज करोगे। अगर एक यूनिट की कॉस्ट हम 10 रुपए कंसिडर करें, तो एम्पियर पूरा चार्ज करने के लिए, एम्पियर पूरा चार्ज करने के लिए, कंप्लीट चार्जिंग एम्पियर का करोगे तो करीबन आपको 23 रुपया लगेगा। कितना? 23 रुपये में आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी चार्ज हो जाएगी। और मैं बहुत बड़ा नंबर ले रहा हूँ, 10 रुपये कभी नहीं होता है, एक यूनिट का कॉस्ट 10 रुपये कभी नहीं होता। मैं जानबूझ के बड़ा नंबर ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो जाएगी, मोदी गवर्नमेंट में ये किया, मोदी गवर्नमेंट ने वो किया, अरे जो अच्छा किया वो तो देखो भाई। ओके, तो ये इतना बड़ा कॉस्ट नहीं होने वाला है 10 रुपये पर, मैं कंसिडर कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर की भी अगर हम सोचे तो अगर इतना भी कॉस्ट हो जाए तो हमें परवड़ना चाहिए। ओके, तो अगर मैं 10 रुपये बोलूँ एक यूनिट की कॉस्ट, तो 23 रुपये में ये आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज हो जाएगा। और ये रेंज कितना देगा? कंपनी क्लेम रेंज है 121 किलोमीटर। ओके, आपको समझो कितना मिल रहा है, 90 किलोमीटर आपको रेंज मिल रहा है। ये कंपनी क्लेम है, हमें मिल रहा है 90 किलोमीटर। तो आप 23 रुपये में, 23 रुपये में 90 किलोमीटर जा रहे हो, 23 रुपये में 90 किलोमीटर जा रहे हो। अगर आप सोचो कि आप एक महीने में, एक दिन में, चलो पकड़ो, एक दिन में आप 50 किलोमीटर स्कूटर चलाते हो, एक दिन में 50 किलोमीटर चलाते हो, तो ये पर डे हो गया। अगर हम कंसिडर करें साल के 300 दिन, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? सोचो कितना हो जाएगा, 15,000 किलोमीटर हो जाएगा। पूरे साल में कितना घूमोगे आप? 15,000 किलोमीटर घूमोगे। तो ये एक बार चार्ज करने में, मतलब 23 किलोमीटर, 23 रुपये में अगर आपको 90 किलोमीटर लेके जा रहा है, तो 15,000 किलोमीटर जाने के लिए कितना खर्चा आएगा, कैसे कैलकुलेट करोगे आप उसको? करके दिखाओ, आप कर सकते हो या मैं करके दिखाऊं? करके दिखाता हूं आपको। अगर एक 90 किलोमीटर के लिए अगर 23 रुपये खर्चा हो रहा है, मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना खर्चा आएगा? मैं इसको करता हूँ कैलकुलेशन कैलकुलेटर के ऊपर, 23 डिवाइडेड बाय 90, इसको 25 पैसा लगेगा। कितना? 0.25 रुपीज, 25 पैसा लगेगा। तो 15,000 किलोमीटर जाने के लिए कितना खर्चा आएगा? 15,000 × 0.25, मतलब 3,750 रुपया। 3,750 रुपया आपको लगेगा
पूरे साल के लिए अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर साल में 15,000 किलोमीटर जाती है तो, कैलकुलेशन समझ में आ गया ना आपको? फिर से बोल रहा हूं मैं, एम्पियर मैग्नस ईएक्स की जो बैटरी है वो 2.295 किलोवाट आवर की है, एक चार्जिंग करने के लिए 2.295 यूनिट्स कंज्यूम हो गए इलेक्ट्रिसिटी के। अगर एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपया है तो पूरा चार्ज करने में करीबन 23 रुपया लगेगा, इसको राउंड फिगर किया है मैंने। ओके, तो एक बार चार्ज करने में अगर वो 90 किलोमीटर जाती है, मतलब 23 रुपए में अगर वो 90 किलोमीटर जाती है, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए उसको 25 पैसा लगेगा। यहाँ पे 23 डिवाइडेड बाय 90 अगर आप करोगे तो 25 पैसा आएगा। ओके, अगर 25 पैसा उसको लग रहा है 1 किलोमीटर के लिए, तो अगर आप दिन में 50 किलोमीटर जाते हो तो पूरे साल में अगर 300 दिन आप जा रहे हो 50 किलोमीटर, तो पूरे साल में आप 15,000 किलोमीटर जाओगे। तो 15,000 किलोमीटर इंटू 25 पैसा अगर आप करोगे तो 3,750 रुपया आपको पूरे साल में लगेगा आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए। अभी आप सोचो कि पेट्रोल कितना लगेगा 15,000 किलोमीटर जाने के लिए, वो भी मैं कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ कि पेट्रोल कितना लगेगा 15,000 किलोमीटर जाने के लिए। इसके लिए और एक स्लाइड में इंसर्ट करता हूँ, अभी तक आप लाइव में जुड़े हो आपका धन्यवाद, प्लीज इस लाइव को लाइक करो, शेयर करो। ओके, अगर आपके पास 15,000 किलोमीटर पेट्रोल गाड़ी से जाना है, लेट सपोज आपके पास एक्टिवा है, और वो माइलेज कितना देती है एक्टिवा, मैं एवरेज कंसिडर कर रहा हूँ 40 किलोमीटर प्रति लीटर वो अगर आपको एवरेज देती है, तो अगर आपको 15,000 किलोमीटर जाना है तो कितना लीटर पेट्रोल लगेगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 40, तो करो कितना आएगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 40 कितना आएगा, 375 लीटर पेट्रोल लगेगा आपको, कितना, 375 लीटर पेट्रोल लगेगा। देखो आप, 15,000 किलोमीटर हम जब इलेक्ट्रिक स्कूटर से जाते हैं तो आपको 3,750 रुपया लगता है, अगर हम उसको एक्टिवा से जाना है, जो 40 किलोमीटर का एवरेज देती है, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 40 मतलब आपको 375 लीटर पेट्रोल लगेगा। अगर मैं पेट्रोल की कीमत पकड़ू, अभी महाराष्ट्र में तो 100 रुपए के ऊपर जा चुका है पेट्रोल का कॉस्ट, अगर मैं कंसिडर करूं कि 1 लीटर पेट्रोल जो है, 1 लीटर पेट्रोल आपको 100 रुपए को मिलता है, तो 375 लीटर पेट्रोल अगर डालना है तो आपको इतना खर्चा आएगा, 37,500 सिर्फ पेट्रोल पे खर्चा आएगा, सोचिए आप। और इलेक्ट्रिक पे आपको कितना खर्चा आ रहा था, 3,750। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रनिंग कॉस्ट होती है वो पेट्रोल से कंपेयर्ड 1/10 होती है, कितना, 1/10 आपको पेट्रोल को लगेगा 37,500 और इलेक्ट्रिक को कितना लग रहा है, 3,750। ओके, तो आप सोचो कि ये एक साल का मैंने किया, अगर आप आपकी एक्टिवा 5 साल चलाओगे, तो कितना खर्चा आएगा पेट्रोल पे, आप सोचिए, 37,500 × 5 आपका 1,00,000 होगा, बाकी मेंटेनेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मैंने बात ही नहीं किया भाई। आप देखो ये बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपके दिमाग में बैठी है ना, आप सबके दिमाग से निकल जाएगी। देखो आप कैलकुलेशन देखो, अभी 15,000 किलोमीटर आप अगर एक साल में चला रहे हो, आपका एक्टिवा 40 किलोमीटर का एवरेज दे रहा है, तो आपको 375 लीटर पेट्रोल लगेगा, 375 लीटर पेट्रोल को आपको 37,500 रुपीज खर्चा आएगा, तो 5 साल अगर आप ऐसी स्कूटर चलाओगे तो 1,87,500 खर्चा आएगा। अभी आप इलेक्ट्रिक का देखो, आपको साल में 37,350 रुपीज पर ईयर खर्चा आ रहा है चार्जिंग को, मेंटेनेंस वगैरह इलेक्ट्रिक स्कूटर का बहुत कम है। अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर को 5 साल की बात करें, इलेक्ट्रिक स्कूटर को 5 साल में कितना खर्चा आएगा, इंटू 5 करो आप, कितना आएगा, 5 साल में 18,750 रुपया खर्चा आएगा।
3750 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 18750। मतलब 5 साल की अगर हम बात करते हैं, 5 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, तो पेट्रोल को 1 लाख इतना खर्चा आता है, 1,87,500। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को कितना आता है, इससे बहुत कम आता है भाई, इसको आता है 18,750 रुपए। तो कितना पैसा बचता है आपका 5 साल में, करो इसको सब्सक्राइब करो, कितना बचता है आपका, कितना बचता है, किया कैलकुलेशन, 1,68,750। फिर से करता हूं मैं आपके लिए, 1,87,500 -18,750, तो आपका इतना पैसा बच रहा है कितना, 1,68,750। कितनी बैटरीज खरीदोगे भाई 5 साल के बाद? जो लोग बोलते हैं ना 5 साल के बाद बैटरी खराब हो जाएगी, फिर मुझे नया लेना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे भाई तूने 15,000 किलोमीटर के लिए कैलकुलेशन किया, भाई तो तेरी कैलकुलेशन तेरे हिसाब से कर, फिर भी तुझे पता चलेगा कि अगर 5 साल बाद आपको ये नया बैटरी डालना पड़ता है, या 3 साल बाद करके देखो भाई, 5 क्या 3 साल बाद भी करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका नया बैटरी भी अगर आप डालोगे तो वो सस्ता जाएगा। कैसा लगा है कैलकुलेशन, समझ में आ गया कि नहीं? 83 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर हो चुका है तो प्लीज लाइक ठोक दो। इसमें आपको कुछ गलती लग रहा है तो वो भी पूछ लेना भाई, बट मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलती है, मैंने एकदम ही सिंपल करके आपको एक्सप्लेन किया। अभी मैं मुझे जो बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लगते हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये जो लाइव सेशन है करीबन अभी चल रहा है 41 मिनट से, आप अभी तक जुड़े हो आपको सलाम है, ऐसा ही प्यार देते रहना। अभी मुझे जो बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लगते हैं उनके में आपको नाम बोलने वाला हूं। अभी ये तो क्लियर हो गया ना आपने, मैंने तो एम्पियर का एग्जाम्पल दिया, जिसको खाली कितना रेंज है, कितना रेंज है, 90 किलोमीटर का रेंज कंसिडर किया था, और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी हमने कितना कंसिडर किया था, 10 रुपया कंसिडर किया था भाई, इतना कभी नहीं होने वाला। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी मैंने हायर कंसिडर किया था और रेंज भी कम कंसिडर किया था, आप सोचिए। आप जब ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगे, या एथर लोगे, या बाकी लोगे जिनका रेंज बहुत ही ज्यादा है, तो शायद आपको पता चल जाएगा कि आपके बहुत सेविंग्स हो रहे हैं जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो। तो ये आपने सोचना चाहिए, ये कैलकुलेशन शायद ही आपको कोई बताएगा, तो ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, जो कन्विंस नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने में उसके साथ आप शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ गलत लग रहा है इसमें तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसका जरूर फीडबैक दूंगा, जरूर रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं रोज कुछ सीख रहा हूँ आपके साथ, जब वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी सीखने को मिल रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यूज होने चाहिए, क्योंकि ये आई ओपनर है। अभी मैं मुझे जो बेस्ट लगते हैं वो भी बोलूंगा, पहले मैं रिपीट कर देता हूं कि कौन से इसके ऊपर हमने देखा। पहले तो बजट से देखा कि अगर 1 लाख के नीचे बजट है तो आपके पास हीरो, एम्पियर, ये ऑप्शंस है। अगर 1 लाख से ऊपर बजट है तो ओला, टीवीएस, बजाज, एथर, बेनिलिंग, ओकाया, ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप बजट के ऊपर से जा रहे हो तो। अगर आपकी प्रायोरिटी, आपके यूज जो है वो बिल्ड क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी लगती है, आपको ज्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो आप शुरुआत कर सकते हो एथर, टीवीएस, बजाज, ओला, बैटरी स्टोरी, एम्पियर, और फिर हीरो। हीरो का बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो रेंज के ऊपर, तो अभी ओला S1 Pro सबसे बढ़िया रेंज दे रहा है, ग्रैविटॉन मोटर्स का क्वांटा भी अवेलेबल है, वो भी अच्छा रेंज दे रहा है, टीवीएस iQube ST जो आने वाला है वो भी अच्छा रेंज दे रहा है, अभी टीवीएस iQube S है, एथर 450 Generation 3 है, ओकाया है, बेनिलिंग है। फिर अगर आप उसमें रेंज में 1 लाख के नीचे की बात कर रहे हो तो हीरो ऑप्टिमा CXR बहुत ही अच्छा रेंज देता है, एम्पियर मैग्नस EX भी आपको अच्छा रेंज दे देता है। चौथा पॉइंट, अगर आप डिस्कस कर रहे हो परफॉर्मेंस के ऊपर, तो मैंने खुद मेरा बजाज Avenger 220 जो पेट्रोल बाइक है वो एथर के साथ मैंने ड्रैग रेस किया, उसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे आपको दिख जाएगा कि एथर बजाज क्षेत्र
बजाज चेतक को भी पीछे डाल देता है। तो परफॉर्मेंस में एथर सबसे बढ़िया है, फिर ओला, फिर बजाज, फिर टीवीएस, फिर रिवोल्ट। ओके, फिर हमने देखा लाइफ, मैंने आपको एनएमसी एलएफपी एक्सप्लेन किया, इतना बेहतरीन एक्सप्लेन किया है आपको, आई होप समझ में आ गया है कि एलएफपी केमिस्ट्री का लाइफ ज़्यादा अच्छा होता है, एनएमसी का थोड़ा कम होता है। बट ये मैं बोलता नहीं कि एनएमसी पूरी ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड्स एनएमसी ही यूज़ करती है। ओके, मैंने प्योर ईवी का नाम क्यों नहीं लिया, मैंने ओकिनावा का नाम क्यों नहीं लिया, आपके दिमाग में शायद क्वेश्चन आया होगा। मैंने प्योर ईवी और ओकिनावा का नाम नहीं लिया क्योंकि पिछले साल में या इसी साल में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, उनकी कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जल गई थी। मैंने जब ओकिनावा का देखा तो उनके वेबसाइट पे मुझे पता चला कि हॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, तो मेरा खुद का विश्वास उड़ गया। शायद मेरा नॉलेज कम हो तो मुझे माफ़ कर देना, बट मुझे ओकिनावा का ये देख के बहुत बुरा लगा कि उनके कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर चाइनीज कंपनीज जो है उनके जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाया। आप मेरे चैनल पे अगर जाके देखो तो वन ऑफ द टॉप व्यूड वीडियो ओकिनावा का है, मैंने खुद बहुत उसको जांचा था, परचा था, बहुत अच्छा मुझे वो लगा था। तो मैं बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है कम्प्लीटली, मतलब ऐसा लगा था मुझे, बट आई डोंट नो अभी ओकिनावा आगे जाके क्या लाने वाला है मार्केट में, उनके क्या स्कूटर्स होने वाली है, बट वो थोड़ा सा चाइनीज जैसा मुझे लगा। हॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी मुझे वैसा ही लगा, इसलिए मैं उनका नाम लेना भूल गया। अगर आप ओकिनावा ओनर हो तो आई एम सॉरी, ओकिनावा आपको अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो यूज़ करो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज़ इट। ओके, बी गॉज की बात करूं तो नया ब्रांड है इसलिए यहां पे मैंने नाम नहीं लिया, बहुत सारे चैट में अभी दिख रहे हैं कि बी गॉज लेना चाहिए था, बी गॉज का नाम नहीं लिया। बी गॉज भी अच्छा स्कूटर है गाइज, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं, एक लाइव सेशन में इतने सारी बात करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, बट मेरा जो बेस्ट है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बैटरी कॉस्ट जो होता है वो 40-45% ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है। मैंने आपको एनएमसी एलएफपी का डिटेल कंपैरिजन फिर से करके बताया, मैंने आपको एम्पियर मैग्नस ईएक्स का एग्जांपल लेके दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की रनिंग कॉस्ट कितनी कम होती है, और अगर आपको 3 या 5 साल के बाद भी अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर में नई बैटरी डालनी पड़ी तो भी आपके सेविंग्स कितने हैं ये आपको पता चल गया। आपको एक थंब रूल बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो रनिंग कॉस्ट होता है या इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रनिंग कॉस्ट होता है वो पेट्रोल व्हीकल के 1/10 होता है। मतलब अगर आपको पेट्रोल को 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है महीने को, तो आपको इलेक्ट्रिक को 1,000 ही खर्चा आएगा। अगर आपको पेट्रोल को साल को 1,00,000 रुपये खर्चा आ रहा है, साल में अगर आप 1,00,000 रुपये का पेट्रोल यूज़ कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक में आपको 10,000 रुपये का ही पेट्रोल लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट पेट्रोल व्हीकल के 1/10 होती है। ये लाइव स्ट्रीम को प्लीज़ लाइक करो, अगर आप ये वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो। अभी मैं मेरी पसंद की इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको बोलने वाला हूँ, मैं मेरी पसंद की इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको बोलने वाला हूँ, इसके लिए मैं नया स्लाइड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नया स्लाइड में इंसर्ट करने वाला हूँ। ओके, नया स्लाइड, इसको मैं ऐसा ही रखने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू इंसर्ट द न्यू स्लाइड। ओके, सो मैं मेरा बेस्ट मुझे जो लगा वो मैं अभी यहां पे बता रहा हूं। मुझे सबसे बढ़िया अभी तक लगा है एथर 450X, 1,00,000 के ऊपर कॉस्ट है इसका, नासिक में तो 1.5 लाख से भी ज्यादा हो जाता है, 1.5 लाख के ऊपर चला जाता है, बट मुझे सबसे बेहतरीन लगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे सबसे बेहतरीन लगा। मैंने अभी तक एक भी वीडियो पैसा लेके नहीं बनाया गाइस, तो प्लीज़ नीचे अभी मत डालना भाई तुझे एथर ने कितना पैसा दिया। कोई कोई सब्सक्राइबर्स इतने घटिया होते हैं कि उनके उनके संस्कार वो दिखा देते हैं, उनकी लैंग्वेज दिखा देते हैं, वो बुरी लैंग्वेज नीचे कमेंट करते हैं। बट आपको ये जानना चाहिए कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती है, मैं मेरा 100% देख के वीडियो आपकी तरफ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे खांसी आ रही है फिर भी मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, तो ये मेरा पैशन है, तो कभी कभी गलती हो सकती है। बट मैं अगर एथर का नाम ले रहा हूँ मतलब मैं एथर से पैसे ले रहा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अभी तक एक भी वीडियो पैसा लेके नहीं बनाया गाइस, तो मुझे सबसे बेहतरीन एथर लगा। फिर मुझे उसके बाद में टीवीएस आई क्यूब मुझे लगता है। फिर मुझे बजाज अच्छा लगता है,
ये मेरे पर्सनल चॉइस है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपको टेस्ट राइड लेके ही इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है, मैं आपको नहीं बोल रहा आप ये स्कूटर लो, आपको टेस्ट राइड लेके ही लेना है, ओके तो मुझे ये तीन स्कूटर बहुत ही अच्छे लगे। आप सोचेगा भाई ओला का नाम क्यों नहीं लिया, भाई मुझे नहीं है पसंद, मुझे नहीं है पसंद, सॉरी टू से बट मुझे नहीं है पसंद, इसलिए ओला का नाम नहीं लिया, ओके मुझे एथर पसंद है, मुझे टीवीएस पसंद है, मुझे बजाज चेतक पसंद है, ये तीनों 1 लाख के ऊपर हो जाते हैं। तो आप पूछोगे सर 1 लाख के नीचे कौन सा पसंद है, तो 1 लाख के नीचे अगर आप रेंज के बारे में पूछो, रेंज के बारे में, तो मुझे हीरो अच्छा लगता है रेंज के बारे में। अगर आप बिल्ड क्वालिटी के बारे में पूछो, बिल्ड क्वालिटी और लुक के बारे में, बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के बारे में, तो मुझे कौन सा अच्छा लगता है, एम्पियर अच्छा लगता है। और फिर मैं चाहिए तो ओकिनावा का प्रेज प्रो जो है उसका सोच सकता हूँ। तो मुझे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छे लगते हैं। अगर रेंज की बात करूँ 1 लाख के नीचे तो हीरो, रेंज बिल्ड क्वालिटी तो घटिया है, सॉरी टू से बट फैक्ट है वो बोल रहा हूँ। अगर बिल्ड क्वालिटी और लुक्स की बात करूँ तो मुझे 1 लाख के नीचे एम्पियर अच्छा लगता है, ओके ओकिनावा अच्छा लगता है 1 लाख के नीचे, ओके और अगर 1 लाख के ऊपर की बात कर रहे हो तो ये तीन स्कूटर मुझे अच्छे लगते हैं, एथर, टीवीएस आई क्यूब और बजाज चेतक। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो आपको खुद से टेस्ट राइड लेके ही इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। यह मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है, ओके तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे चैट में दिख रहे हैं, आई एम सॉरी आज मैं चैट पढ़ के आपको रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा पूरा इंटेंशन आज यही था कि आपके दिमाग में जो बैटरी अगर फिर से डालनी पड़े तो क्या प्रॉब्लम हो क्या नहीं, उसका पूरा कैलकुलेशन मैंने एक्सप्लेन किया है। जिसने मिस किया है प्लीज देखना कि आप जब इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो तो उसकी जो बैटरी है वो फिर से भी अगर रिप्लेस करनी पड़े तो वो ज़्यादा महंगी नहीं जाती, आप जितना पेट्रोल पे खर्चा कर दोगे उससे बहुत ही कम खर्चा आपको बैटरी पे करना पड़ेगा। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे कैलकुलेशंस गलत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में मुझे ज़रूर बोलना, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा, उसका फीडबैक आपको ज़रूर दूंगा। मैं भी एक लर्नर हूँ, इस पूरे सेशन में अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो, ऐसा लग रहा है गलती हो गई सर आपसे, तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़े दिल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमें 1 लाख लोगों तक पहुँचाना है इस चैनल पे, हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप ज़रूर करना। तो ये रहे गाइज पूरा सेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सी आपने खरीदनी चाहिए। आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि जो मंथ ऑफ अगस्त था, बहुत सारे लोगों को ये था ना कि भाई तुमने इन्हीं स्कूटर्स के नाम क्यों लिए, बाकी के स्कूटर के नाम क्यों नहीं लिए। जो मंथ ऑफ अगस्त था उसमें 1 नंबर पे है हीरो, 2 नंबर पे है ओकिनावा, 3 नंबर पे है एम्पियर। ये तीनों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है ये 1 लाख के नीचे है, ओके 1 लाख के नीचे। उसके बाद में 4 नंबर पे है टीवीएस, 5 नंबर पे है एथर, 6 नंबर पे है ओला, 7 नंबर पे है बजाज, 8 नंबर पे है रिवोल्ट, 9 नंबर पे है बेनिलिंग इंडिया और 10 नंबर पे है ओकाया। ये सब इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ये 1 लाख के ऊपर चले जाते हैं, ओके। अभी ओकिनावा का जो स्कूटर है सबसे ज्यादा बिकने वाला, मैं सबसे ज्यादा भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, हीरो का सबसे ज्यादा बिकने वाला है ऑप्टिमा, ओकिनावा का सबसे ज्यादा बिकने वाला है प्रेज प्रो, ओके एम्पियर का सबसे ज्यादा बिकने वाला है मैग्नस ईएक्स, टीवीएस का आई क्यूब एस, एथर का 450X सबसे ज्यादा बिकने वाला, ओला का S1 Pro सबसे ज्यादा बिकने वाला, बजाज का एक ही स्कूटर है, बजाज ही है चेतक, रिवोल्ट का RV 400 सबसे ज्यादा बिकने वाला, बेनिलिंग का ओरा अभी तक सबसे ज्यादा बिक चुका है, ओरा और ओकाया का फास्ट F4 ये सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है। तो गाइज आप याद, मतलब आप सोचो कि मैंने 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपको अभी बता दिए,
ये कौन आपको बताएगा, इसके लिए बहुत पढ़ाई लगता है, बहुत कंटिन्यूसली अपडेटेड रखना पड़ता है खुद को, तो आपका सपोर्ट है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, तो आपका सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी आज मैं लाइव सेशन में, लाइव चैट में कुछ आंसर्स नहीं दे पाया, बट आप सबको सलाम, मेरा प्यार आप सबके लिए ऐसा ही बना रहेगा, आपका भी प्यार मेरे लिए ऐसा बना रहे, ये मैं ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, श्री कृष्ण से, जीसस से, गौतम बुद्ध जी से, जो कुछ भगवान है उन सब से, इस पृथ्वी से ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका प्यार भी मेरे से ऐसा बना रहे, मेरा प्यार भी आपसे ऐसे बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन टिल द एंड। मैं थक चुका हूँ, मुझे बहुत खांसी आ रही है। आप मुझे प्लीज एक और बात कर दीजिए, प्लीज अभी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, प्लीज एवरीवन इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिए, pvj_tasveerwala ये मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पे ऊपर, प्लीज जाके वहां पे मुझे फॉलो कर दीजिए, मैं वहां पे भी आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा, pvj_tasveerwala। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आज 100 लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 लोग लाइव जुड़े थे आज, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लाइव देख रहे हो तो आपको सलाम है, अगर आप वीडियो एंड तक देखा है एज अ वीडियो तो भी आपको सलाम है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।